Excuse me? मैं आपको कहीं छोड़ सकता हूं? देखिए आप इस तरह से घबराइए मत, मैं एक बहुत अच्छा आदमी हूं। लगता है आप किसी शादी के मंडप से भागकर आ रही हैं। देखिए आपके पास इतना बड़ा बैग है और इस हाईवे पे अकेली खड़ी रहना आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। देखिए मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ और आप आओ शालिनी, तुम्हारा इस नई जिंदगी में स्वागत है। ये देखो हमारे प्यार का आशियाना। आशियाना तो अपनों से बनता है दीपक, परिवार से बनता है, पर देखो ना यहाँ तो कुछ भी नहीं। अगर आज मेरी सास होती तो मैं उनका आशीर्वाद लेकर अपने इस नए जीवन की दहलीज पर कदम रखती। शालिनी माँ नहीं है तो क्या हो गया, मैं तो हूं ना। और हाँ, मैं तुम्हें कभी किसी रिश्ते किसी नाते की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। ओके, सो स्वीट। अंदर चले। हाँ एक मिनट, मैं अभी आया। अरे मुझे अकेले छोड़कर कहाँ जा रहे हो? डोंट वरी, मैं यूं गया और यूं आया। और हाँ, जब तक मैं वापस नहीं आऊ ना तुम अंदर मत आना। ओके ओके ठीक है। शालिनी। दीपक, क्या मैं अंदर आ जाऊं? दीपक जवाब क्यों नहीं दे रहा? दीपक, ये लाइट को क्या हो गया? दीपक दरवाजा खोलो, दीपक मुझे डर लग रहा है। दीपक मैं अंदर आ रही हूं। अगर माँ होती तो ये सब करती, पर वेलकम।
थैंक्स दीपक, मेरा आज का दिन इतना यादगार बनाने के लिए। इस फोन को भी अभी बजना था, एक मिनट पकड़ना, बॉस का फोन है। तुम एक काम करो, तुम ऊपर कमरे में मेरा इंतजार करो, मैं बस दो मिनट में आया। ओके ओके। हाँ सर बोलिए। हाँ ओके ठीक है, आ जाऊंगा। क्या बात है, आज तो मेरी जान लेकर ही छोड़ोगी? तो ले लो ना मेरी जान। तुम्हें बताया शालिनी, आज मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है, सच में। थैंक्स अ लॉट मेरी जिंदगी में आने के लिए। मैं दुनिया की सारी खुशी तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा, बस तुम हमेशा मेरे साथ में रहना, कभी मेरा साथ मत छोड़ना। मैं फ्रेश होकर आता हूं। तुम क्या हुआ? दीपक, दीपक कुछ बोलते क्यों नहीं, क्या हुआ? अगर तुम बाथरूम में थे तो यहाँ कौन था? तुम किसकी बात कर रहे हो दीपक? वही जिससे मैं बात कर रहा था। यहाँ तो कोई नहीं है दीपक। है चालिनी, वो यही थी। यहाँ ना कोई है ना कोई था दीपक। हाँ चालिनी, यहाँ पे था कोई, मैं उसी से बात कर रहा था। दीपक काम डाउन, दीपक यहाँ कोई नहीं है। चालिनी लगता है तुम मुझे बहुत प्यार करते हो और हर जगह तुम्हें मैं ही मैं नजर आती हूँ। Hey! Hey,
कर दो। दीपक, इसके हाथ में चाकू है। कौन है तुम? दीपक कौन है ये? कौन है तुम? वैसे कुछ भी कहो, मैंने आज से पहले किसी भी शादी में एक साथ इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां नहीं देखी। क्या बात है, लड़के वाले इतना मक्खन क्यों लगा रहे हैं? इन्हें लगता है इतना मक्खन लगाने से और दोस्ती बढ़ाने से हम इन्हें जूते दे देंगे। हेलो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब तक जीजा जी 50,000 नहीं देंगे तब तक उनको जूते वापस नहीं मिलेंगे। 50,000? अबे जूते दे रही हो या जूते की दुकान? अरे ये यहाँ क्या नैन मटका चल रहा है? क्या बात है सिमरन, जीजा जी के भाई पे दिल आ गया क्या? चुप कर, कुछ भी बोल रही है, पागल हो गई है क्या? क्यों राहुल, तू कहे तो तेरी भी शादी की बात चला दे। गाइस, बेचारी सिमरन को एंबैरस मत करो यार। बेचारी सिमरन। सिमरन कहाँ जा रही है? शर्मा गई क्या? अरे जा रहा राहुल, देख क्या रहा है, पकड़ ले उसे। अबे जा बे, बोल दे आई लव यू, अबे जल्दी भाग चल। जा रहा। और सुनिए, मौका छोड़ना मत। सिमरन, सिमरन रुको। सिमरन, अरे रुको यार। सिमरन, सिमरन अचानक कहाँ गायब हो गई? सिमरन, सिमरन कहाँ हो यार? सिमरन देखो मजाक मत करो। सिम, सिमरन मुझे पता है कि तुम कहाँ हो, तो छुपने का कोई फायदा नहीं। सिमरन तुम? हाँ। क्या हुआ राहुल?
मैंने यहाँ किसी को देखा। किसे? कोई था। कौन था राहुल? तुम ठीक तो हो? हाँ, नेवर माइंड। अब एक्चुअली जिस काम के लिए आया था मैं वही काम भूल गया। अब सिमरन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अब तुम्हारी बारी। आई लव यू राहुल। सिर्फ आई लव यू से काम नहीं चलेगा। इस रिंग के बजाय तुम्हें मुझे कोई तो गिफ्ट देना पड़ेगा। कैसी गिफ्ट? आई डोंट नो, कुछ भी। ठीक है, अपनी आंखें बंद करो। आंखें? करो ना बाबा। लो, कर ली। जल्दी करो सिमरन। सिमरन, मैं अपनी आंखें खोलने वाला हूं। सिमरन, सिमरन, मेरी गिफ्ट यार। ये क्या फिर से शादी? हाँ, शादी हो रही है। क्यों? फ्री का खाना खाने आया है? चल भाग भाग यहाँ से। ये शादी नहीं है, मातम है, मातम। ये क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं, सच कर रहा हूँ मैं। वॉचमैन, क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं साहब, पागल आदमी है साहब। आज की रात किसी की भी शादी नहीं होनी चाहिए, किसी की भी शादी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर आज ये शादी हो गई तो वो लौट कर वापस आ जाएगी। वो अकेले नहीं आएगी, अपने साथ बर्बादी और तबाही लेकर आएगी। अरे चुप कर, जब से आया है मनहूस बातें करे जा रहा है। अरे शादी के शुभ मौके पर कोई ऐसी मनहूस बातें करता है क्या? शादी रुकवा दो, रुकवा दो ये शादी, वरना अनर्थ हो जाएगा। अरे क्या अनर्थ हो जाएगा? चल भाग भाग यहां से। जाने कहां कहां से आ जाते हैं। ये सब ठीक नहीं हो रहा, ये लोग समझ नहीं रहे। भगवान, जिसका डर था वही हो गया। सिमरन, सिमरन, अरे यार कहाँ छुपी हो? मजाक बंद करो यार। चाहे तुम कहाँ भी छुपो सिमरन, अपना गिफ्ट तो मैं लेके ही रहूंगा। सिमरन, गेस्ट हाउस में? हाँ, सिमरन, सिमरन, यही गेस्ट हाउस मिला था तुम्हें छुपने के लिए? सिमरन, सिमरन,
सिमरन। राहुल मैं यहाँ हूँ। सिमरन यार मजाक बंद करो, अब शादी के लिए लेट हो रहा है। मुझे कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं चाहिए, चलो। आप कौन है? यहाँ मेरे गेस्ट हाउस में क्या कर रही है? सिमरन कहाँ है? आप कुछ बोलती क्यों नहीं? प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। आप ये क्या कर रही है? प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। शादी करेगा वो मरेगा, कोई भी नहीं बचेगा, तुम भी नहीं। मजा आने वाला है, पता है दीदी की शादी में। इनको जाने दो यार। हाय पूजा। हाय। यू लुकिंग सो गॉर्जियस टुडे। थैंक यू सो मच। सही है यार। अच्छा लग रहा है ना अरेंजमेंट? वाओ। हाय। इतनी सुंदर मेहंदी लगाना कि हमारी सुमिता की खूबसूरती पर चार चांद लग जाएं। दीदी मेरे पास ना एक आइडिया है, बताऊं? आप ना अपने हाथों पे जीजू का नाम लिखवा लो, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है लिखिए। क्या नाम है दूल्हे का? सुमेश। सुनीता ये क्या हो रहा है? मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। माँ देखिए ना ये क्या हो रहा है, इन्होंने अभी अभी सुमेश का नाम लिखा था मेरे हाथों पर,
पता नहीं कैसे मिट गया। ऐसे कैसे हो सकता है, नाम कैसे गायब हो सकता है, शायद मिट गया होगा। नहीं माँ, मैं सच कह रही हूँ, अगर आपको यकीन नहीं है तो इनसे पूछिए। मैं बार बार नाम लिख रही हूँ और बार बार मिट रहा है। अरे ये तो अपशगुन हो गया। कोई अपशगुन वगैरह नहीं है, शायद मेहंदी ठीक से लगी नहीं होगी इसीलिए नाम ठीक से छपा नहीं होगा। और तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने दूल्हे का नाम हर दुल्हन के दिल में छपा रहता है, उसे कोई नहीं मिटा सकता। सोमेश फिर से चालू हो गया ना, अभी क्या कर रहा है तू? तेरी खुशी का आखिरी पल रिकॉर्ड कर रहा हूँ। खुशी आखिरी पल? हाँ, तेरी शादी जो हो रही है। जाना यहाँ से यार, एक तो वैसी घड़ी नहीं मिल रही, ऊपर से तू और परेशान कर रहा है मुझे, ठीक? अरे यार देखना मेरी तरफ, अरे देखना यार। बोला ना जा, पका मत यार अभी प्लीज। अरे मैं ढूंढता हूँ तेरी घड़ी, पता नहीं कहाँ रख दी। यहाँ नहीं है, पता नहीं कहाँ रखी होगी। ये ले, ये रही तेरी घड़ी, पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढते रहता है। क्या बात है, तो काम नहीं कर रही यार। क्या बात कर रहा है यार, ये तो अपशगुन है। छोड़ना यार, वैसे मेरी फेवरेट घड़ी है, अब बंद होगी तो क्या हुआ। तेरी शेरवानी जल रही यार। वो देख यार, बुझा ना इसको। अरे यार घड़ी बंद हो गई, शेरवानी जल गई यार, वो क्या रहा है? तू टेंशन मत ले यार, मैं कुछ करता हूं। अब नहीं वक्त है, मैं कहता हूँ अब नहीं वक्त है, ये शादी रुकवा दो वरना तुम सब खून के आंसू रहोगे, मौत तुम सबके सर पर नाचेगी। हे कौन हो तुम, अंदर कैसे घुसाए? चोटी पछताओगे तुम सब। क्या बकवास कर रहे हो तुम, निकालो निकालो इसको बाहर। तुम फिर आगे नहीं रोक दो, ये शादी आज ये शादी नहीं होनी चाहिए, रोक दो ये शादी। सराफत से चला जा वरना पुलिस के हवाले कर दूंगा, समझ गया? यहाँ से तुम सबको छोड़ेगी नहीं, छोड़ेगी नहीं तुम सबको। भगा दिया साहब। कौन 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 था ये आदमी, किसकी बात कर रहा था, कौन आ गई है? कोई नहीं साहब, पागल आदमी था, उसकी बात पर ध्यान मत दो। शायद उसकी बातें इतनी बेबुनियाद नहीं है। बेबुनियाद नहीं है, क्या कहने चाहते हो तुम, साफ साफ बोलो। अब साहब छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, लड़के वालों को तो सब कुछ पता है, उन्होंने आपको कुछ भी नहीं बताया? बताया नहीं, क्या नहीं बताया? राहुल का? राहुल
यही कहीं होगा भैया। सो उसे लेकर आओ जरा। हाँ, अभी लेके आता हूँ भैया। कितनी अच्छी लग रही है ना दोनों की जोड़ी। सचमुच ऐसी जोड़ियां तो स्वर्ग में ही बनकर आती है। सुमेश के पिताजी कहाँ हैं? सुमेश के पिता। ये लाइट कैसे चली गई? पता नहीं क्या। सुमेश! सुमिता? इसने मुझे मारने की कोशिश की। इससे शादी मत करना, ये तुम्हें भी मार देगी। सुनिता! सुनिता! सुनिता क्या हुआ? क्या हुआ दीदी? कोई है? सुनिता! सुनीता क्या हुआ? सुनीता क्या हुआ? मेरी बच्ची सुनीता, दीदी आंखें खोल ना। दीदी क्या हुआ? सुनीता दीदी आंखें खोल ना। दीदी दीदी तू कौन है? दीदी कुछ Oh!
मुझे छोड़ो, प्लीज। कोई शादी इन दिनों में तो बिल्कुल नहीं। आत्महत्या कर ली थी इस दुल्हन ने, क्योंकि मेरे बेटे ने ही इसे धोखा दिया था। मत करना शादी। मंडप में अकेली बैठी इंतजार करती रही, पर मेरा बेटा नहीं आया, इसका दूल्हा नहीं आया। मत करना शादी, वरना मरोगे। शादी का मतलब है मौत। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।